विविध क्षेत्रातील तज्ञांच्या मुलाखती, ऐका त्यांचे विचार, मते आणि माहिती संवाद प्रहरच्या माध्यमातून। आता दर शनिवारी राम प्रहर आणि मल्हार टीव्हीवर। नमस्कार, मी नितीन देशमुख, दैनिक राम प्रहर आणि मल्हार टीव्हीच्या संवाद प्रहर या विशेष मुलाखत कार्यक्रमामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत करतो। आज आपल्यासोबत आहेत आपल्याच पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील युवा खेळाडू जिनी आत्ता टेबल टेनिसमध्ये एक वर्ल्डमध्ये 151 नंबरचे रँक आहे आणि ती आज आपल्यासोबत आहे। तिचा अनुभव, तिने कसा या खेळामध्ये प्राविण्य मिळालं याची माहिती ती आज आपल्याला देणार। नमस्कार अनुष्काजी, आप टेबल टेनिस में आज कौन से नंबर पे हैं? मेरा अभी वर्ल्ड रैंक 150 मैंने सीनियर्स पे, वर्ल्ड रैंक 150 मैंने सीनियर में, और दो साल पहले यूथ अंडर 19 में वर्ल्ड रैंक 4 थी। आपको ये टेबल टेनिस का खेलने का कैसा है? मुझे बचपन में जब मैं स्कूल जाती थी, मेरे पापा में स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर थे तो वो बच्चों को सिखाते थे, तो मैं भी सीखती थी उनके साथ। ऐसे मेरा शुरुआत हुआ टेबल टेनिस। कौन से? 3.5। तो आप 3.5 एज में पापा के साथ जाती थी, उधर देख को आपको लगा कि खेलना चाहिए? हाँ, बच्चे भी खेलते थे और मैं भी दीवारों में प्रैक्टिस करती थी टेबल में। तब बचपन में हाइट नहीं पहुँचता था तो ऐसे खेलना शुरू हुआ। फिर आपको बाद में किसी ने कोचिंग दिया? मेरे पापा ही मेरे कोच, उन्होंने ही मुझे सब सिखाया। क्या क्या किया? वो उन्होंने 2010 में स्कूल जॉब छोड़ दिया मुझे, क्योंकि मुझे सिखाने के लिए। फिर उसके दो साल बाद मैं नेशनल चैम्पियन बनी कैडेट में, और वो मैं यंग बहुत छोटी उम्र में थी, 9 साल में मैं नेशनल चैम्पियन बनी। फिर बाकी सब। आप कौन सी स्कूल में थी? मैं रामचंद ठाकुर पब्लिक स्कूल में 3rd स्टैंडर्ड से वहाँ पढ़ती थी और 12th भी वहीं से किया। आपको जब इंटरनेशनल खेलने के पहले जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो स्कूल ने क्या क्या हेल्प किया? स्कूल ने बहुत हेल्प किया, उन्होंने मुझे खेलने के लिए जगह दिया। रामचंद ठाकुर सर ने भी बहुत हेल्प किया, उन्होंने फाइनेंशियली भी बहुत सारे हेल्प किए टूर्नामेंट्स और ट्रेनिंग में जाने के लिए। प्लस रूम दिया वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे प्रैक्टिस के लिए। आपके पापा, आप बात करते थे तो बोले कि पापा दूसरे स्कूल में थे, फिर वो आपको प्रैक्टिस देने के लिए इधर कैसे आते? क्योंकि स्कूल ने स्पोर्ट्स, रामचंद ठाकुर स्कूल स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, स्पोर्ट्स को सबको सपोर्ट करते थे, तो इसीलिए मैंने स्कूल चेंज किया और यहीं पे सब शुरू हुआ था। फिर पापा ने जॉब छोड़ दिया। तो पापा ने आपके लिए जॉब छोड़ दिया? जी। आपके लिए पापा ने जॉब छोड़ देने के बाद आप जो कॉम्पिटिशन में जाने लगे, तो कॉम्पिटिशन में पहला कॉम्पिटिशन कौन सा था? पहला इंटरनेशनल चाइनीज टाइपिंग में हुआ था, फिर एशिया चैम्पियनशिप बैंकॉक में जूनियर, वो सब जूनियर में कैटेगरी। तभी आपका एक्सपीरियंस क्या था? बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम बाहर के लोगों के साथ खेलना, बाहर के एक्सपीरियंस गेन होना, तो वो फायदा हुआ बहुत। क्या आपका जब इंटरनेशनल खेलने के लिए पहली बार तो कैसा लगा? अच्छा लगा, जैसे टेबल टेनिस में सबसे टॉप अभी चाइना है, चाइना एशियन कंट्रीज है, चाइना जापान कोरिया, उनके साथ खेलना, वो एक्सपीरियंस गेन करना, उनके साथ खेल के वो कैसा खेलते हैं, ये सब बहुत स्पाइनल। चाइना टॉप पे है तो चाइना के खिलाड़ियों के साथ आपका कैसा लगा प्रैक्टिस? अच्छा लगा, जब जूनियर में मैंने 3-4 चाइनीज को भी हराया है और मेडल भी गेन किया है, तो और कंट्री के लिए भी मैंने बहुत सारे मेडल जीते हैं। तो अभी आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं? मैं यहीं पे रामचंद ठाकुर कॉलेज में प्रैक्टिस करती हूँ, रामचंद ठाकुर सर ने ये रूम मुझे मेरे प्रैक्टिस के लिए दिया है। ये अभी दिया? जब स्कूल में थे तभी किधर करते थे? स्कूल में करती थी, स्कूल में मुझे रूम मिला था 5th फ्लोर पे, एक प्राइवेट रूम स्पेशली मेरे लिए बना दिया था। मैंने रामचंद ठाकुर स्कूल में आपको स्पेशल रूम दिया था, उस रूम में आप कितने घंटा प्रैक्टिस करते थे? 6-7 घंटा तो हो ही जाता था। तो फिर आपका स्टडी कैसा होता है? मैनेज करती थी, स्कूल ने भी बहुत सपोर्ट किया है।
हमेशा स्कूल में आपको सपोर्ट किया है। स्कूल के बिना फिर जब आप पहला मेडल लेके आए स्कूल में, तो स्कूल में क्या आपको कैसा लगा? फेलिसिटेट किया, एनकरेज किया वो लोग स्कूल में, मेरे पोस्टर्स भी लगाते थे पूरे खालन में कि ऐसे। आपके बचपन में आपने देखा या स्कूल में देखा कि आपने खालन में सब पोस्टर लगाए हैं, तो आपको कैसा लगता? बहुत अच्छा लगता था, सब बाकी बच्चे भी देख के एनकरेज होते होंगे। तो ऐसा आपका खेल देख के एनकरेज क्यों हुए खेलने? जी अभी बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, बच्चे यहाँ पे खालन के भी खेल रहे हैं और स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और रामशूट तक स्कूल ने हर वक्त स्पोर्ट्स को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। अभी तुम कोचेस अभी तुम ओलंपिक के लिए भी कुछ तैयार कर रहे हो? जी अभी बताओ, ये तो नहीं हो पाया 2020 ओलंपिक्स के लिए तैयार कर रहे। तो उसी टाइम आपके पापा ही आपको कुछ जी आप जब पहला खेल इंटरनेशनल मेडल मिल के इधर आ और जब भी पहला मेडल मिला तो आपको पहला किसकी याद आई? पहला पापा की याद आई क्योंकि उन्होंने ही सब सिखाया, उनके वजह से ही हूँ, प्लस जो बचपन से जो सीखा यहाँ पे रामशिता को सर ने भी बहुत हेल्प किया, तो सब आने के बाद जब पहला मेडल इंटरनेशनल मेडल जब भी आपको मिला और आप आके रामशेर ठाकुर को मिलने के लिए, तभी क्या सर ने बहुत बधाई दी, फेलिसिटेट किया, पेपर में आया, फिर फाइनेंशियली भी उन्होंने बहुत हेल्प किया है। तो अभी तक कितने मेडल मिले आपको? अब तक मुश्किल है कहना, बट 35 से ज़्यादा मिले हैं इंटरनेशनल। मेन कौन से? मेन हमारे टेबल टेनिस में वैसे जर्मन ओपन, चाइनीज टाइप के ओपन, फ्रांस ओपन जैसे होते थे, उसमें से टूनिशिया में हुए थे, फिर चाइना में भी हुआ था, जैसे काफ़ी सारे कंट्रीज में मेडल जीते। अभी आपने देश में इंडिया में टेबल टेनिस में फर्स्ट रैंक में कौन? अभी सीनियर में फर्स्ट रैंक मनिका बत्रा है। और आपका इंडिया में कौन सा है? अभी मैं 7th हूँ, जिस वजह से मैं इस साल ओलंपिक्स में नहीं हो पाया, इस साल मैं 7th हूँ। ओलंपिक के लिए कौन सा रहेंगे? टॉप 3 को ओलंपिक में जाने का चांस मिलता है, तो अभी आपको ओलंपिक में जाने के लिए ट्राई करने का है, तो आपको जो अभी कॉलेज और यहाँ के जो लोग हैं उनके सब आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कॉलेज में भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस ये खेलने के लिए जगह दे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करूँगी तो कैसे। प्रैक्टिस के लिए आपके साथ कौन आता है? बाहर से प्लेयर्स भी आते हैं, प्लस पापा ही मेरे सब कुछ है, और मैं भी ट्रेनिंग के लिए बहुत बार बाहर जाती हूँ, जैसे चाइना, जापान। कहाँ कहाँ गई है? मैं जापान 2 टाइम जापान गई हूँ, फिर चाइना भी गई हूँ, जर्मनी में, और मैं जर्मनी में लीग खेलती हूँ तो वहाँ भी बहुत प्रैक्टिस होती है। तो सबसे अच्छा खेल लगता है जैसे टेबल टेनिस में टॉप तो चाइना है, तो चाइना ही। चाइना में कितने बार गए? चाइना में 3-4 times। अभी आपको जो स्कूल में आए, स्कूल में तुमको सपोर्ट मिला, इधर मिला, अभी अपने कंट्री की तरफ से क्या क्या सपोर्ट मिला? कंट्री की तरफ से जैसे हमारी गवर्नमेंट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका स्कीम है टॉप्स टारगेट ऑफ ओलंपिक पोडियम, तो उस स्कीम में वो हर तरह की फंडिंग करते हैं ट्रेनिंग टूर्नामेंट के लिए, उनका ये सपोर्ट। अभी नरेंद्र मोदी आने के बाद और उसके पहले इसे 2 टाइम, तो आप तो नरेंद्र मोदी आने के बाद स्पोर्ट्स वालों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? जी जी, क्योंकि पहले ये स्कीम था नहीं उनके पहले, फिर उनके आने के बाद ये स्कीम आया, फिर और स्पोर्ट्स में भी फंड ज़्यादा आने लगे, जैसे खेलो इंडिया आने लगा, खेलो इंडिया में हमें बहुत सपोर्ट मिला, फिर खेलो इंडिया में ज़्यादा सपोर्ट। हाँ, तो उसके पहले आपको गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट? गवर्नमेंट से यही मिला ये टॉप्स, और उससे पहले मैं प्राइवेट विराट कोहली फाउंडेशन में थी, जो उनसे बहुत सपोर्ट मिला। तो क्या है विराट कोहली फाउंडेशन? विराट कोहली फाउंडेशन एक
ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पोर्ट्स एथलीट्स को फंड करते हैं, तो उसमें बहुत हेल्प मिला, टूर्नामेंट्स, ट्रेनिंग, बाहर ट्रेनिंग, ये एक्सपेंसेस हो सकता है। अभी आपको ऐसा सुना है कि नरेंद्र मोदी ने आपको एक लेटर दिया जी, क्या लेटर दिया है? एप्रिसिएशन लेटर है कि बहुत अच्छा मेडल में है, अभी बेस्ट विशेस दिए उन्होंने आगे के लिए। और आप जो आगे जाने वाले, आगे आपको ओलंपिक में जाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से या तुम्हारे टेबल टेनिस एसोसिएशन से क्या क्या हेल्प? सेंट्रल गवर्नमेंट से ही साइज जो टॉप स्कीम है वो हमें हेल्प करता है, हर महीने मंथली 25,000 पे करते हैं और सारे टूर्नामेंट और ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। आप अभी इतना कंट्री में गई टेबल टेनिस खेलने के लिए, तो सबसे अच्छा कौन सा था? ट्रेनिंग में गई या स्पर्धा के लिए गई, क्योंकि कौन से स्टेट में तुमको सबसे अच्छा लगा? अगर विजिट के लिए देखे तो यूरोप दिखने में सुंदर है, बाकी टेबल टेनिस में तो चार एशियन कंट्री टॉप में है, और जर्मनी भी बहुत, आप चाइना के बाद अगर यूरोप में कोई है तो वो जर्मनी है जो परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आपको एक ऐसा कोई एक्सपीरियंस है कि जो आपने कभी आपने कोई स्पर्धा करने के लिए जाते हैं कुछ ऐसा होता है उधर कि वो अपने परमानेंट ध्यान में रहता है, ऐसा कुछ है? हाँ। कोई ना कोई ऐसी चीज रहती है कि वो हम भूल नहीं सकते, ऐसा नहीं। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, बुरे कुछ नहीं हुए। अच्छा, जैसे टूर्नामेंट में जाके वर्ल्ड रैंक वन चाइना के उनको देखना वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, पहली बार आप जिन्हें बचपन से टीवी या यूट्यूब में देख रहे हो सिर्फ फर्स्ट टाइम देखना वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। खेलते समय अभी ऐसा कोई हुआ है कि जो भूल नहीं सकते? ऐसा जर्मनी में, चाइना में, हर एक स्पर्धा में आप जाते हैं, उधर जाने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो हमें ध्यान में रहता है, ऐसा नहीं? ऐसा नहीं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होता ही है। इतने इंटरनेशनल तुमने खेले हैं, तो इतने इंटरनेशनल खेलते समय कुछ ना कुछ तो होता है कि जो भूल नहीं सकते, ऐसा कुछ है? जब हम मेडल जीतते बाहर की कंट्री में तो वहाँ के भी पेपर्स, जैसे इंटरव्यू होते हैं तो वो बहुत अलग है, वहाँ के भी पेपर में हमारी पिक्चर होती है तो वो एक बहुत अच्छा लगता है, बाहर की कंट्री में भी हमारी पिक्चर आती है। और तुम्हारा बाहर का पिक्चर आया नहीं, रिजल्ट आया है सब बराबर है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है उधर कि खेलते समय होता है या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के, कुछ ना कुछ तो होता है ना, अलग अलग चीज़ होती है, उसमें से कुछ तो अलग हुआ है क्या जो आपने इधर नहीं होता और उधर होता है? नहीं होता और उधर होता है। अभी तुम इधर भी खेलिए, उधर भी खेलिए, अलग अलग कंट्री में खेलिए, तो कुछ ना कुछ अलग रहता है ना, वो अलग क्या तुमको सबसे अच्छा लगा? तो जैसे वहाँ पे मैंने अपने से अच्छे वर्ल्ड रैंक को हराया तो वो भी एक बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ पे प्लेइंग एनवायरनमेंट भी बहुत अलग होता है इंडिया से और बहुत अच्छा होता है, अलग रहता है। हाँ, अलग रहता है, टेबल्स अलग रहते हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ का टेबल, यहाँ का टेबल, तो उसका बाद में जब जाते हो खेलने के लिए तो कोई वो तो हम नहीं, हम बाहर के इंटरनेशनल टेबल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें दिया है विराट कोहली फाउंडेशन की तरफ से ये टेबल आया है जो हम DHS का, और मैं चाइना के DHS की स्पॉन्सरशिप भी है, मुझे चाइना ने मुझे दिया है, तो इसमें प्रॉब्लम इक्विपमेंट प्रॉब्लम नहीं आता और बाकी तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो अभी तुम्हारे जो सहेली आए जो तुम्हारे साथ खेल, वो भी अभी तुम्हारे तुम्हारा खेल देख के तुम्हारे जैसा खेलने का ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस के लिए आती है जी? आते हैं सब, अपकमिंग बहुत सारे बच्चे हैं जो आ रहे हैं, जो चाहते हैं कि इंटरनेशनल खेले में करें और परफॉर्म देंगे, अब इंडिया को परफॉर्म देने के लिए आपको पापा को जी करते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पर उनसे ट्रेनिंग लेने हेल्प करते हैं। और आपको क्या लगता है कि टेबल टेनिस में इंडिया आगे
कितना है? अभी काफ़ी आगे है, पहले से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम इंडियन टीम मेंस वुमेन दोनों ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हुए हैं, जो कि बहुत पहली बार है और जो कि बहुत बड़ी बात है कि इतने दिन सिर्फ सिंगल्स में एक या दो प्लेयर्स होते थे, इस बार पूरी इंडिया टीम क्वालिफाई हुए। तो देखते हैं क्या करते हैं, मुझे उनसे उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ और विशेष देना चाहती हूँ। आपको लगता है आपको आगे जाने के लिए कितना घंटा का प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको आपको लगता है? प्रैक्टिस, फिटनेस, बहुत कुछ है, डाइट है, फिर मेंटल ट्रेनिंग है, एक स्पोर्ट्स स्किल, सब कुछ चाहिए। आपका प्रोग्राम कैसा रहता है सुबह से शाम? सुबह सुबह उठ के फिर ट्रेनिंग फिटनेस रहता है 8 बजे के करीब, फिर ब्रेकफास्ट। क्या करते हो? जैसे स्ट्रेंथ हो गया, जिम हो गया, फिर एजिलिटी फिटनेस हो गया, काफ़ी सारे अलग अलग फिटनेस है। फिर आपकी सुबह प्रैक्टिस, मॉर्निंग सेशन, फिर घर जाके ब्रेक, फिर इवनिंग सेशन। डाइट क्या है? डाइट प्रोटीन, एक स्पोर्ट्स पर्सन को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे डाइट में। तो और बाकी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो सब तो है। आपको आपको अभी जो ओलंपिक में जाने का है तो उसके लिए आप स्पेशल क्या तैयारी कर रहे हैं? स्पेशल अभी ओलंपिक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो वर्ल्ड रैंक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड रैंकिंग की, और अपना इम्प्रूव करना। और मैं अभी ट्रेनिंग के लिए भी चाइना जा रही हूँ, जापान जा रही हूँ, तो वो भी मुझे बहुत हेल्प करेगा। तो कितने महीने का ट्रेनिंग है? ट्रेनिंग अभी 1 मंथ का है, और 1 मंथ का ट्रेनिंग है, फिर आपके इंडिया में फिर नेशनल रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। तो आप अभी 151 रैंक पर पहुँचे हैं, उसके लिए किस किस का आप आभार मान सकते हैं, किसने आपको ज़्यादा हेल्प किया, जो अभी तुम्हारे पूरे जो फर्स्ट से यानी थर्ड ट्राइनर से तुम स्टार्ट किया तभी से अभी तक यहाँ आने के लिए किसने किसने हेल्प किया, किस किस का आप आभार? सबसे पहले तो रामचंद्र ठाकुर सर का आभारी करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने सब सारे हेल्प किए, मुझे प्रैक्टिस करने का जगह दिया और अभी भी मैं वहीं पे प्रैक्टिस कर रही हूँ उनकी संस्था में। फिर मेरे स्कूल ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है, और फिर मेरे कोच, मेरे डैड तो है ही, मेरे पेरेंट्स और सर ने बहुत हेल्प किया, तो मैं उन सबका आभारी मानना चाहूँगी। थैंक यू। आपने जो आज हमारे अपहरण के लिए और ब्लड गिविंग चैनल के विशेष प्रभाव विशेष मुलाकात के उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, और आपको अगले ओलंपिक में चांस देने को मिलेगा, ऐसे हम पर हमारे सभी की तरफ से आपको शुभेच्छा देते हैं। विविध क्षेत्रातील तज्ञांच्या मुलाखती, ऐका त्यांचे विचार, मते आणि माहिती। संवाद प्रखरच्या माध्यमातून आता दर शनिवारी राम प्रखर आणि मल्हार टीव्हीवर।